सबको जय मसीह की। परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं आज की इस रविवार आराधना में हम सब लोग एकत्रित हैं और आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सर्विस में। तो आइए आज की सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए। परमेश्वर, जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, हर एक के ऊपर आपके आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। आज की आराधना, आज की स्तुति आराधना प्रभु आपको स्वर्ग में ग्रह योग्य होने पाए मेरे परमेश्वर। और जब लोग अपने घरों में बैठ करके अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मिल करके इस संडे की आराधना को देखते हैं परमेश्वर, तो आप उनके जीवनों को छुएं प्रभु जी। आप उनके हृदयों से बातचीत करें मेरे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। आपके हाथों में इस सर्विस को सौंपते हैं प्रभु जी, और आपकी आशीष और बरकत प्रभु हर एक के जीवनों के ऊपर चाहते हैं परमेश्वर। आज के दास जो तेरे वचन को लेकर के आते हैं मेरे परमेश्वर, और आज प्रभु जो क्वायर जो आराधना में अगुवाई करते हैं प्रभु, उन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। तभी आइए हम गीतों को गा करके परमेश्वर की आराधना। वो अच्छा है, कितना बड़ा है, कितना है।
प्रभु उस आनंद के लिए जिससे तूने हमें भरा है, हमारा सारा बोझ उठाया, तुझ में हमारी चंगाई है परमेश्वर। आज हमारे पांव स्थिर हैं क्योंकि तेरा वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। कुछ नहीं, बस तू ही हमारी एकमात्र आशा है। मेरी एकमात्र आशा है,
के दुख से मुझको शांति और आराम करता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। शरों का गुलाब है और मोर का तारा है, आंखों में वो मेरा एक ही है, आंखों में वो मेरा एक ही है। एक आखिरी बार हम सब इसको मिलके गाएंगे। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरों का गुलाब है और बहुत का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। परमेश्वर ये गीत हमारी प्रार्थना है पूरे संसार में, चाहे कितने भी हों, बट तेरे जितना अच्छा दोस्त हमें आज तक नहीं मिला है परमेश्वर, जो हमें समझता है, दिल की हर उस बात को जानकर हमें तसल्ली देता है। आपके साथ से हमारे जीवन में शांति है, आपके पीछे चलने से हमारे परिवार में खुशी है, और हम प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रेम में हम बढ़ते रहें। जब हम आपके पीछे चलते हैं, होने पाए कि आपका अनुग्रह हम पर हो परमेश्वर, आपके मित्रों पर। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, और इससे अच्छी क्या बात होगी कि आप हमारे दोस्त भी हैं। We love you, Father. हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं यीशु मसीह। जितने भी गीत हमने गाए परमेश्वर, ये सिर्फ आपके लिए हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग हमारे साथ इन गीतों को गा रहे हैं, आपके प्रेम का स्पर्श उनको अभी हो। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। इसमें आप सब लोगों के सम्मुख एक गीत प्रस्तुत किया जाएगा, और इसी दौरान अपनी भेंट और दशमांश अपनी जगह में ही इकट्ठा करें। मेरी निगाहें तुझको है निहारती, दिल कहे जब खो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें हैं पुकारती। ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती, दिल कहे जब खो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें हैं पुकारती। जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए, वो सभी तुझ पर भरोसा है मुझको है खुदा। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में है प्रभु।
गिरूं मैं, तू थामता है मुझे। अंधेरों में भी संग रहे, घबराऊं जब मैं उठते तूफानों से। खामोश उनको तू करे, मेरे साथ है जब तू मसीह, मुझे कोई डर है नहीं। लिपटा रहूं तुझसे सदा, बस चाहता हूँ यही, तेरे साए में ही रहूं मैं अब सदा। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया हम सबको। चारों तरफ काफी समस्याएं, लेकिन उसके बाद भी, उसके बावजूद भी हम सब प्रभु के वचन के द्वारा शिक्षा पा रहे हैं, प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन के लिए जो हमारा टॉपिक है, जिसके विषय पर मैंने चुना है, वो है यहोशापात। यहोशापात पुराने नियम का एक चरित्र है, जो कि एक राजा था, और उसके चरित्र के ऊपर थोड़ी देर फोकस करके हम परमेश्वर की उन बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन से वो चाहता है। जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं आपके सामने बता दूंगा, ताकि आपको बड़ा आसान हो जाए कि आप इस पूरे सब्जेक्ट को आराम से समझ सकें। यहोवा में मगन वो आनंदित रहना। हमारे दुखों और परेशानियों के बावजूद हम परमेश्वर में किस तरह से आनंदित और मगन रहते हैं। टेकिंग डिलाइट इन गॉड और टेकिंग प्राइड इन गॉड इवन इन द मिड्स ऑफ ट्रबल और पेन। आगे चलते हम यहोशापात के जीवन के ऊपर, और यहोशापात के जीवन के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, तो हम निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसका 17 अध्याय।
इस यहां से उसका सारा वृतांत शुरू होता है यहोशफात का। और हम पाते यहोशफात के बारे में कि वो एक अच्छा राजा था, बहुत अच्छा राजा हुआ बाइबल के अंदर, जिसको परमेश्वर ने गद्दी पर बैठाया। यहोशफात का मतलब है यहवे जजत, या यहोवा परमेश्वर हमारा न्याय करता है। दूसरे शब्दों में यहोवा परमेश्वर जो राज्य करता है, यह है यहोशफात का अर्थ। यहोशफात जब हम पाते हैं बाइबल में, तो उसका पिता जिसका नाम आसा था, उससे पहले राजा हुआ। आसा परमेश्वर का भय रखने वाला राजा था, लेकिन अंत के दिनों में वो परमेश्वर से दूर हो गया। युद्ध के वक्त उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और अपने रास्तों पर चला। जिस परमेश्वर ने उसको आज तक संभाल के रखा था, उसका पिता आसा जो था उसके लीक से हट गया। और जब उसके पांव की बीमारी हुई, और तब भी उसने वैद्यों की शरण ली, लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं पुकारा। अब क्या हुआ कि इसी प्रकार से उसके पिता की जब मृत्यु हो गई, तो यहोशफात जो है अपने पिता के स्थान पर यहूदा का राजा बना। ये ईसा से लगभग 9वीं शताब्दी पहले की बात है कि वो अपने पिता के स्थान पर राजा नियुक्त हो गया। कुछ विशेष बातें उसके जीवन के ऊपर हम देखते हैं। एक, वह परमेश्वर का नबी, परमेश्वर की ओर से कई बार उसके पास वचन लेकर आया। यहोशफात के पास परमेश्वर का नबी कई बार वचन लेकर के आया। परमेश्वर ने कई बार उसे मौत के मुंह से बचाया है यहोशफात को। उसने अपने पूरे जो यहूदा के अंदर जो मूर्तियां थी, बाल की और अन्य मूर्तियां थी, उन अपने जीवन को उनको उससे शुद्ध करने में उसने लगा दिया। उसके बाद उसने अपने राज्य के तीसरे साल में याचकों को जगह जगह पर परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए भेजा। उसने शांति और समृद्धि का आनंद उठाया। ये सारी बातें हम यहोशफात के जीवन के अंदर देखते हैं। लेकिन कुछ विशेष बात जो 17 अध्याय में हम पढ़ेंगे, उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों का दल ठहरा दिया, और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे, सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशफात के संग रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के प्राचीन चाल के अनुसार किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था, इसराइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया, और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। और 6 पद में बहुत ही सुंदर वृतांत लिखा है, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा में से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। 2 इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं। एक, जो कि हम 3 पद में पाते हैं 17 अध्याय के, कि यहोवा यहोशफात के संग रहा। द लॉर्ड वॉज विद यहोशफात। दूसरी चीज हम 6 पद में पाते हैं, हिज हार्ट वॉज करेजियस इन द वेज ऑफ द लॉर्ड, या हिज हार्ट टुक प्राइड इन द वेज ऑफ द लॉर्ड। या हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि हिज हार्ट वॉज डिलाइटेड इन द लॉर्ड। प्रियो, जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, तो हमें एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर आता है कि यहोशफात यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया, आनंदित हो गया। उसने उधर उधर नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर के कार्य का एक बोझ उसके अंदर आ गया। परमेश्वर बाइबल में बहुत लोगों के साथ रहा है, बहुत से लोगों के साथ परमेश्वर रहा है, और उसने परमेश्वर ने उनके साथ संगति की। लोगों का हृदय, जब उन्होंने परमेश्वर के साथ संगति की, तो उनका हृदय आनंद से भर गया था। कुछ ऐसे लोग थे जैसे उसने हनोक के साथ
संगति की परमेश्वर ने, तो लिखा हुआ है हनोक उठा लिया गया बाद में, क्योंकि उसने मृत्यु को नहीं झका, वो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया। नूह के साथ उसने परमेश्वर ने संगति करी और नूह उसके परिवार को जब बड़ा फ्लड आया, एक बहुत बड़ा फ्लड आया चारों तरफ, बाढ़ आई, तो ऐसे समय में उसने नूह और उसके परिवार की रक्षा की। फिर हम पाते हैं परमेश्वर मूसा के साथ था और मूसा ने इसराइलियों का छुटकारा किया। फिर हम पाते हैं परमेश्वर दाऊद के साथ था, सो परमेश्वर के हृदय के अनुसार परमेश्वर ने कहा ये मेरे हृदय के अनुसार मनुष्य, परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। फिर हम पाते हैं परमेश्वर जो था सैमुअल के साथ था और सैमुअल जो था वो नबी बना और उसने पहले राजा को अभिषेक किया, उसके बाद दूसरे राजा को भी अभिषेक किया। परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ के जीवन में हम पाते हैं बार बार लिखा है और यहोवा यूसुफ के साथ, इसलिए यूसुफ ने परमेश्वर की दृष्टि में वो काम किए जो परमेश्वर को पसंद थे। दो बातें हम देखते हैं यहां पर को, यहोशापात के साथ परमेश्वर क्यों था, वाई वॉज गॉड विद यहोशापात, यहोशापात परमेश्वर के साथ क्या क्यों था। 17 अध्याय के 3 पद में हम पाते हैं उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल के अनुसार किया, या जिस तरह उसका उसका मूल पुरुष दाऊद परमेश्वर के मार्ग पर चलता था आनंदित और मगन होकर के, वही मार्ग उसने चुना और उसने अपने परमेश्वर के साथ चलते चलते वो आनंदित हो गया। दूसरी चीज हम पाते हैं अपने परमेश्वर की खोज में लगा रहा और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इसराइल के से काम वो नहीं करता था, कितनी अद्भुत बात है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके रिजल्ट के बारे में भी लिखा हुआ 17 अध्याय में और उसके 5वें पद में लिखा है, इसका जो परिणाम है वो बहुत सुंदर हुआ। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग की लगन हमारे अंदर होती है, जब परमेश्वर की सेवा का जज्बा हमारे अंदर होता है, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है, परमेश्वर अपने मकसद को हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा पूरा करता है। यहां पर हम पाते हैं इस कारण, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो यहोशापात कर रहा था, इस कारण देयरफॉर द लॉर्ड एस्टैब्लिश्ड द किंगडम इन हिज हैंड्स, हालेलुया, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाते थे और लिखा हुआ उसका वो बहुत धनाढ्य हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। क्यों? एक ही बात है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके साथ था, उसने यहोवा की खोज में अपने मन को लगाया। कुछ बातें मेरे सामने मैंने एक के बाद एक लिखी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन गॉड इज विद यू, जब परमेश्वर आपके साथ है, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो क्या होता है। परमेश्वर का दास कहता है क्या होता है जब परमेश्वर आपके साथ है, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है, अर्थात अगर हमारा कोई विरोधी भी है परमेश्वर उसे देख लेगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम पाते हैं एक एक करके, आप जब परमेश्वर के साथ रहते हैं या परमेश्वर आपके साथ रहता है तो परमेश्वर आपको हियाव देता है। दाऊद को परमेश्वर ने हियाव दिया उसके दुख और उसकी कठिन परिस्थितियों के समय में। जब परमेश्वर आपके पास होता है तो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और मेरा और आपका प्रेम प्रतिदिन उसके प्रति बढ़ता जाता है। पौलुस कहता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग, हालेलुया, मसीह का प्रेम प्रियो अद्भुत है। हम पाते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हम एक सामर्थी जीवन जीते हैं, थका और हारा जीवन नहीं लेकिन परमेश्वर में एक सामर्थी जीवन जीते हैं। नहमाया कहता है फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ्य है। उसके बाद जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं सो पाते हैं हमारी परेशानी के बीच भी परमेश्वर का हाथ हम अपनी जिंदगियों के ऊपर देखते हैं कि उसका हाथ हम पर बना है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं सो हम जीवन के प्रति सजग हो जाते हैं और जीवन में के अर्थ को खोजते हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर अपने जीवन के लिए परमेश्वर के दर्शन को खोजते हैं कि प्रभु का मेरे लिए क्या संदेश है,
उसके बाद जब और हम आगे देखते हैं कि हमारी निराशाओं के बीच में भी हम आशा को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी आशा है। हम हर परिस्थिति में उसके साथ चलते हैं, अर्थात आप और मैं हर परिस्थिति में विपत्ति के समय में भी उसे पुकारते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हम पर होता है। जब परमेश्वर के साथ हम बने रहते हैं, सो हमारी प्राथमिकता परमेश्वर हो जाता है। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, प्रभु की गवाही देने से हम नहीं घबराते। हम पाते हैं पौलुस के बारे में, पौलुस ने राजाओं के सम्मुख अपनी गवाही दी, और जब वो परेशानी के समय में था, जब उसके जीवन में विषम परिस्थितियां आई, ऐसे समय में रात को परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उसने कहा कि हे पौलुस मत डर, क्योंकि तुझे मेरी गवाही देनी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम विश्वास की कसौटी पर कसे जाने के बाद भी हम विश्वास नहीं करते। हम यूसुफ के जीवन के अंदर देखते हैं, यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, सब कुछ उसके साथ हुआ, वो विश्वास की कसौटी पर कसा गया, लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं खोया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें न सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वरी प्रेम सब पापों को ढांप देता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, सो हम दूसरे को अपने से बेहतर समझते हैं कि वो मुझसे बेटर है। हो सकता है आपके जीवन में ज्यादा क्वालिटीज हो, लेकिन आप फिर भी दूसरे को अपने से बेहतर समझते हैं। जब हम परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं, विशेषकर मसीह भाई बहनों के। हम दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं। पहली सदी की कलीसिया कुछ हम देखते हैं प्रेरित के कार्य में, तो वहां पर हम पाते हैं उनमें कोई कंगाल नहीं था, उनमें कोई गरीब नहीं था, क्योंकि सब लोग अपना अपनी प्रॉपर्टीज को बेचकर चेलों के पैरों में लाके देते थे, और फिर चेले जिस उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लोगों को बांटते थे। वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे थे। जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम पाते हैं हम पाप से नफरत करने लगते हैं, और पवित्र आत्मा हमें बार बार हमारी जिंदगियों में कायल करता है हमारी गलतियों और कमियों के लिए। हम जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो हम एक आशीषित जीवन जीते हैं तथा आशीष के कारण बन जाते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमारी स्वभाव में नम्रता आती है, और हमारे अंदर से घमंड की बातें दूर हो जाती है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, सो हम पवित्रता को महत्व देते हैं अपने जीवन में और अपवित्रता से दूर रहते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, तो हम पाते हैं कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर में आगे बढ़ना है। जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में होता है, सो हम पाते हैं व्यर्थ बातों से हम दूर रहते हैं तथा हमारी रुचि प्रभु यीशु मसीह में और उसके कार्य में, उसकी सेवा में, उसके वचन में, उसके विश्वास में और प्रार्थना में हमारी रुचि बढ़ती है, और प्रभु के लोगों की संगति में भी हम मजबूत होते जाते हैं। हालेलुया। पाते हैं हमने पाया और यहोवा यहोशाफात के साथ। इसलिए यहोशाफात के कैरेक्टर में, जीवन में प्रतिदिन चेंज आने लगा, प्रतिदिन परिवर्तन आने लगा, और लिखा हुआ है कि यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। God is looking for such persons। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका हृदय प्रभु के कार्य सेवा के प्रति आनंदित और उत्साहित होगा, ताकि वो दूसरे को भी उत्साहित कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो हम अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं, और हमें निश्चय हो जाता है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई है, और हम परमेश्वर के मार्ग में मगन होकर के, जिस तरह यहोशू ने कहा, हम उसी की तरह कहते हैं कि एज फॉर मी एंड माई हाउस विल सर्व द लॉर्ड, मैं और मेरा परिवार मिलकर हम प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा में हम लगे रहेंगे। हमारे जीवन में प्रभु के कार्य के प्रति एक दर्शन बढ़ता जाता है, और हम पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानने लगते हैं, उसकी धीमी आवाज को पहचानने लगते हैं, और पवित्र आत्मा की आवाज के अनुसार हम कार्य करने लगते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो हम दूसरों पर दोष खोजने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उसी में हम नहीं लगे रहते, बल्कि हमारे जीवन में हम अपने सुधार में रुचि लेते हैं। क्या होता है जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? अभी हमने देखा, जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो
तो क्या होता है, और जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है सो क्या होता है। इसराइल के उदाहरण के अनुसार हम पाते हैं, लिखा हुआ है इसराइल फॉरसूक द लॉर्ड एंड सर्व्ड बाल। परमेश्वर को छोड़ करके उन्होंने बाल देवताओं की पूजा करना शुरू किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन कहता है यशूरन के बारे में कि यशूरन तूने मुझ पर छोड़ दिया, एक सिंबॉलिक नाम है इसराइल के लिए कि यू हैव वैक्स फैट एंड किक्ड एंड फॉरसूक गॉड, तू मोटा हो गया है, तूने तुझमें चर्बी चढ़ गई है और तूने परमेश्वर को त्याग दिया। जब परमेश्वर ने तुझे आशीषित करा तो तूने परमेश्वर को छोड़ दिया। प्रियो ये इज़राइल के बारे में लिखा हुआ है। जब रहोबाम राजा बन गया, मजबूत हो गया, तो उसने परमेश्वर को छोड़ दिया और 17 साल तक हालांकि उसने यहूदा में राज्य किया लेकिन परमेश्वर के साथ वो नहीं चला। इस तरह बहुत सी बातें हम देखते हैं रहोबाम के जीवन के ऊपर। हम पाते हैं उसने परमेश्वर के को ढूंढने के बजाय उसने सांसारिक चीजों में अपना मन लगाया और इसलिए परमेश्वर उससे बहुत खुश नहीं हुआ। प्रिय, जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं तो बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती हैं, और कई बार यूं भी होता है कि हम अपने जीवन की गलतियों में परमेश्वर के ऊपर दोष ढूंढते हैं। गलतियां हमसे होती हैं, गलत हमने किया होता है और हम दोष परमेश्वर को देते हैं। लेकिन यहोशफात के बारे में लिखा है यहोवा के मार्ग में चलते चलते उसका मन मगन हो गया और उसने यहूदा के ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तियां दूर कर दी, अर्थात जो अन्य जातियों की सी प्रक्रिया जो चल रही थी उस सब से वो अलग हो गया और उसने अपने राज्य से यहूदा से भी उन सब को अलग कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहोशफात के जीवन से हम क्या लेसन आज लेना चाहते हैं, या हमें यहोशफात के जीवन से हमें क्या सबक मिलता है। ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम सब के लिए जरूरी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आशा के बारे में देखते हैं तो उसने आशा के जीवन को अपने पिता के जीवन को बहुत करीबी से देखा था, किस तरह आशा परमेश्वर की लीक से हट गया था और यहोशफात ने अपने पिता के जीवन को बहुत नजदीकी से देखा और लिखा हुआ है उसने अपने पिता आशा की गलतियों से सीखा और उसे ये सब नहीं करना चाहिए। धन्य है जब हम सीखते हैं, दूसरे की गलतियों से हम सीखते हैं, हम उनकी गलतियों में शुमार नहीं होते लेकिन उनकी गलतियों से हम अपने जीवन में बदलते हैं। दूसरी बात हम पाते हैं जो कि दूसरा इतिहास के 17 अध्याय के 4 पद में पाया जाता है, उसने बाल की पूजा की जो उत्तरी राज्य इसराइल में हो रही थी उसे स्वीकार नहीं किया। उत्तरी राज्य अर्थात इसराइल में राजा आहाब के ने पूरे इसराइल के अंदर बाल की पूजा को उसने लागू कर दिया था, लेकिन इतने करीब रहते हुए भी उसने यहूदा में उस बाल की पूजा को आने नहीं दिया, बल्कि उसने परमेश्वर की ओर अपना मन लगाया, उसने बाल की पूजा को स्वीकार नहीं किया। तीसरी चीज हम पाते हैं यहोशफात के जीवन से, वह यहोवा की सेवा में मगन हो गया और इंग्लिश में लिखा ही वॉज courageous इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा में उसने आनंद लिया, परमेश्वर की सेवा में वो लगन के साथ बढ़ गया। और इसके लिए इब्रानी शब्द बड़ा सुंदर है जिसका नाम जो है गाबा। करेजियस मतलब गाबा, मींस टू सोर और टू फ्लाई, इसका मतलब है ऊंचा उड़ना, अर्थात वो परमेश्वर में ऊंचा उड़ान भरी या परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के करीब जाने लगा, ऊंचाइयों को हासिल करने लगा जब उसने परमेश्वर को ढूंढा, जब वो परमेश्वर के साथ चला, जब वो परमेश्वर में मगन हो गया। चौथी बात हम सीखते हैं, उसने लेवियों को याजकों को व्यवस्था के साथ पूरे यहूदा के अंदर भेज दिया। परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को लेकर के उसने लेवियों और याजकों को पूरे यहूदा के अंदर भेजा और ताकि वो पूरे राज्य में लोगों को सिखाए। इस प्रकार हम पाते हैं यहूदा का सबसे उत्तम शासक जो कभी रहा वो है यहोशफात। किसी भी और ने अपनी प्रजा को इतनी शिक्षा, इतनी परमेश्वरी शिक्षा देने की कोशिश नहीं की जितना यहोशफात ने।
जिसकी वजह से उसकी प्रजा प्रभु में परमेश्वर में मजबूत हो गई। प्रियो, कलीसिया को भी शिक्षा की जरूरत है, कलीसिया को भी प्रभु की शिक्षा में पढ़ने की जरूरत है जो हम यहोशफात के जीवन से सीखते हैं। उसके बाद हम पाते हैं उसने प्रार्थना के महत्व को समझा। ये बहुत ही सुंदर चीज है और इसके लिए हम जरूर पढ़ेंगे दूसरा अध्याय उसका 20 अध्याय। सब लोगों ने यहोशफात को बता दिया कि तेरे विरुद्ध में एक सेना आई है और वो सेना तुझ पर चढ़ाई कर रही है। सेना कौन सी थी? मुआबी लोग थे, अमोनी लोग थे, मुनी लोग थे और इनने सबने मिलकर यहोशफात के विरुद्ध में चढ़ाई की। लेकिन यहोशफात ने क्या किया? तीसरे पद में लिखा है तब यहोशफात डर गया। नेचुरल है, फियर इज अ नेचुरल फिनोमिना। डर सबको लगता है लेकिन उस डर के बीच में उसने क्या किया? लिखा हुआ है यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया, वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया, पूरे यहूदा में कि सब लोग उपवास करें। ये बेस्ट तरीका उसने खोजा। जब हम अपनी समस्याओं में, जब हम अपनी परेशानियों में होते हैं, प्रियो हम कहां जाते हैं, किसके पास जाते हैं? हमें परमेश्वर के भवन में आना है, हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है, हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं, हमें परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाना है और परमेश्वर को ढूंढना है। यही तो यहोशफात ने किया। उसने अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ाया, उसने अपनी सेना को तैयार नहीं किया, लेकिन पहले वो परमेश्वर के पास गया। अगली बात हम पाते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर वाक्य है कि यहोशफात के जीवन से जो हम सीख सकते हैं, ही फॉट बैटल इन गॉड्स वे। उसने परमेश्वर के तरीके से युद्ध को जीता। मुझे और आपको ये शिक्षा देता है कि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है और विजय देने वाला भी परमेश्वर है। कई बार हम अपनी समस्याओं में, कई बार रोजमर्रा के जीवन में हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को खोजना भूल जाते हैं, हम परमेश्वर के हाथों में अपने केस को रखना भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर यहोशफात के जीवन से हमें सिखाता है ही फॉट बैटल इन गॉड्स वे। और ये विजय बड़ी अद्भुत है प्रियो, ये विजय इतनी सुंदर है कि जिसके बारे में कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसमें हम पाते हैं इन्होंने गीत गा करके विजय प्राप्त करी, इन्होंने गीत गाकर विजय प्राप्त करी। इसमें लिखा हुआ 20 अध्याय के 21 पद में तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर, कैसे शोभायमान होकर? पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंधु के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए स्तुति करें यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और 22 पद में पाते हैं जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मुआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। दिस इज अ स्ट्रेंज विक्ट्री, ये बड़ा अद्भुत विजय है जो हम पाते हैं। द वॉर वॉज फॉट बाय गॉड और विजय यहूदा के लोगों को मिली। प्रियो, एक बहुत खास बात इस समय सीखना है, क्या हम परमेश्वर के तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं? He fought battle in God's way, उसने परमेश्वर के तरीके से युद्ध में वो विजय हुआ। अंतिम बात है, उसने ये बताया है अपने जीवन से कि जो दोषी है उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। यहां पर हम पाते हैं तीन गलत काम यहोशफात के द्वारा भी हुए, वो भी एक मनुष्य था, he was a human being। कई बार मनुष्य के होने के नाते हमसे भी गलतियां और कमियां हो जाती है जो यहोशफात से हुई। पहली मिस्टेक जो बहुत बड़ी थी, उसने अपना विवाह संबंध जो था अपने बेटे का और उसने इज़राइल के राजा अहाब की बेटी के साथ संध्याना उसने जोड़ दिया जो कि बहुत ही गलत था क्योंकि अहाब एक बहुत गंदा, खराब और परमेश्वर से दूर रहने वाला और तमाम बाल देवताओं की पूजा करने वाला राजा था। उसने उनके साथ विवाह संबंध स्थापित किया। उसके बाद हम पाते हैं वो युद्ध में इसराइल के राजा के साथ किया, युद्ध में इसराइल के राजा के साथ किया। ये दूसरा बहुत बड़ा उसका जुर्म था जो उसने किया और परमेश्वर ने जब उसके ऊपर शत्रु लोग आ गए उसको मारना चाहते थे ऐसे समय में परमेश्वर ने उसको बचाया जब उसने चिल्लाया। तीसरी बात आप पाते हैं
वो इसराइल के राजा उज्जिया से उसने मेल कर लिया, एक बिजनेस का सौदा कर लिया और एक जहाज बनाया ताकि उस जहाज से जाकर के वो वहां से बहुत सामान लेकर के आए। लेकिन प्रियो वो जहाज टूट गया, दैट शिप वॉज ब्रोकन, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना पे नहीं जा रहा था। लेकिन हम एक बात खास के जीवन में पाते हैं, यही पर सब कुछ मामला खत्म नहीं हो गया, लेकिन हम पाते हैं उसने दोषी के लिए ये बताया कि परमेश्वर का अनुग्रह है। He repented, उसने पश्चाताप किया, उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी इन बातों के लिए, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद उसने ऐसा कहा जाता है कि उसने दोबारा जहाज बनाया और फिर उसने बिजनेस किया और परमेश्वर ने उसके बिजनेस को फ्रूटफुल किया क्योंकि वो परमेश्वर के तरीके से उसने कार्य किया। आज प्रियो खत्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं यहोशाफात के जीवन से क्या सीखते हैं? इन बातों को जो मैंने आपको बताया इसमें जरूरी है कि यहोशाफात के जीवन से हम सीखें। उसने दूसरों की गलतियों से सीखा, अपने पिता की गलतियों से सीखा। उसके पिता ने परमेश्वर के भंडार से, आसा ने परमेश्वर के भंडार से सोना चांदी लेकर के अन्य जातियों को दिया और कहा मेरे बदले लड़ो। प्रियो उसने इस गलती को जरूर बहुत करीबी से देखा था, लेकिन उसने अपने जीवन में उस गलती को नहीं लगाया। आज वक्त है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के साथ चले और हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, और क्योंकि यहोवा उनके साथ रहता है जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, और यहोवा के मार्ग पर चलते हुए हम उत्साहित हो जाएं क्योंकि हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम न्यायाधीशों को गुजार है तेरे अनुग्रह फजल तेरी दया के लिए। पिता आज यहोशाफात के जीवन से जो तूने हमें सिखाया कि प्यारे परमेश्वर हमें किस तरह इस जीवन में रहना है, किस तरह प्यारे परमेश्वर जब तूने हमें इस पृथ्वी पर रखा है प्यारे पुरान हमें किस तरह से जीवन को जीना है तेरी नजदीकी में, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर कि तू हम पर दया कर, फजल कर, ताकि प्यारे परमेश्वर हम तेरे नजदीकी में बढ़ते जाएं और संसार की व्यर्थ वस्तुओं से तू हमारे मन को, हमारी आंखों को फेर दे ताकि तुझ में हमारा संबंध मजबूत होता जाए। हम दुआ करते हैं, अनुग्रह कर एक एक विश्वासियों पर तेरी आशीष, तेरी बरकत और तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रभु यीशु प्यारे खुदा, हम दुआ करते हैं आज की जो ऑफरिंग ली गई उस पर भी तेरी आशीष बरकत हो, तेरा अनुग्रह हो प्यारे परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर जिन्होंने इस ऑफरिंग में हिस्सा लिया उनको बड़ी आशीष देना प्यारे खुदा। और प्यारे खुदा प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन प्यारे परमेश्वर सदा तत्पर रहे ताकि हम तेरी सेवा के लिए सदा खड़ा रहें। हम सबको आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाली और सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो। प्रिय प्रार्थना में जाने से पहले कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और सूचना ये है कि हमारी रविवार की आराधना ऑनलाइन पर ही होगी 10 बजे, और बुधवार को और शुक्रवार को आज का मन्ना जो आत्मिक संगति है उसको भी हम ऑनलाइन में करेंगे, और साथ ही साथ जैसे पिछले गुरुवार को 7 बजे हम गूगल मीट पर हम सब मिलकर जो हमने संगति किया उसी प्रकार आने वाले हफ्ते में भी शाम को 7 बजे गूगल मीट पर हम सब मिलेंगे। और यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें ताकि हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उसमें जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम मिलकर संगति कर सकते हैं। पिछले हफ्ता हमारे पास एक बहुत अच्छा एक समय था जहाँ पर हम लोग कलीसिया के काफी लोग मिलकर हम लोगों ने संगति किया है, और मैं सबों से अनुरोध करूंगा कि इस सभी आत्मिक सभाओं को आप देखते रहें और इसके द्वारा आप आशीष प्राप्त करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन में एक समय दिया, एक अवसर दिया प्रभु जी, और उसको समझने के लिए प्रभु, उसको हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रभु जी, उसको हमारे जीवन में अमल करने के लिए आपने हमारी सहायता की, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक एक विश्वासियों को आपके हाथों में देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी दया,
आपकी सुरक्षा, आपकी उपस्थिति एक एक जनों के साथ रहे महान परमेश्वर। अभी तक आपने हम सबों को संभाला है, आगे भी प्रभु जी आप हमारी सहायता करना महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के और तमाम विश्व के प्रभु जी संकट के लिए, प्रभु जी इस कठिन परिस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, प्रभु जी आप अनुग्रह कीजिए महान परमेश्वर, ताकि ये सारे संकट महान परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जी ये खत्म हो जाए प्रभु जी, ताकि फिर से हम प्रभु तेरे भवन में आकर, तेरे उपस्थिति में आकर प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से हम सब मिलकर हम आपकी आराधना कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय अगर कोई भाई बहन प्रभु जी किसी भी प्रकार के दुख में है, तकलीफ में है प्रभु जी, जरूरत में है महान परमेश्वर, समस्या में है महान प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु एक एक के तू सहायता करना महान परमेश्वर, एक एक के हर जरूरत को तू अपने आसमानी भंडार से पूरा करना महान प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने प्रभु जी अपना भेद और अपना दशमांश प्रभु जी आपको दिया है, प्रभु उन सबको तू बड़ी आशीष देना और सबके जरूरतों को प्रभु जी आप पूरा कीजिए प्रभु। एक बार फिर से प्रभु जी सारी आदर महिमा और इज्जत आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक लोग के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष।